बरसात स्टार्ट हो गई है गाइस, तो इस मौसम में जो है आपके मानसून में आपके जो गुलाब है, देसी गुलाब हो या फिर आपके चाहे हाइब्रिड गुलाब हो, इसकी केयर कौन कैसे करनी चाहिए और कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो भी मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो देखिए मेरे जो ये जो है हाइब्रिड गुलाब है, तो देखिए इसमें कलियाँ आ गई है और न्यू ग्रोथ जो है वो भी स्टार्ट हो गई है। तो जो न्यू ग्रोथ है, इतने दिन गर्मी थी, गर्मी की वजह से न्यू ग्रोथ आ नहीं पा रही थी, जल जा रहे थे और ना ही फूल कलियाँ आ पा रहे थे। फिर भी देखिए इसमें, देखिए दो बार बारिश हुई है, उसी से देखिए कितना सारा मतलब जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मैंने सोचा इसकी अब थोड़ी सी मतलब खाद पानी सेवा पानी कर देते हैं, जिससे कि अब मौसम अच्छा आ गया है, अब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गए, इसलिए मैंने जो है इसके जितने भी मतलब पुराने पत्ते थे मैंने सबको हटा दिया है। ये जो आपके पुराने पत्ते हैं, पुराने पत्तों की जगह ये न्यू ग्रोथ आ जाएगी। ये पत्तों से भर गया था पुराने पत्ते, तो सारे पत्ते मैंने हटा दिए। ये जो पत्ते होते हैं पुराने हो जाते हैं, तो ये इसके बाद ये जो है फिर पीले होके झड़ने लगते हैं या फिर फंगस लगने लगते हैं, तो इनको हटा देने अच्छा है। जितना आप इनको हटा देंगे उतना ही आपकी न्यू ग्रोथ आएगी। तो ये जो है सबको मैंने हटा दिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है ये जो आपका ये देख सकते हो, मैंने सारी जो है निराई गुड़ाई कर दी है, साफ़ सफाई कर दी है। इसमें मल्चिंग कर रखा था मैंने वो भी हटा दिया है। कोकोपीट से मल्चिंग कर रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी पड़ रही थी, इसकी वजह से पानी दिन में दो तीन बार दे रहे थे, फिर भी मतलब कम ही लग रहा था, तो इसलिए मैंने कोकोपीट से इसकी कवर कर दी थी। तो मैंने अब ये हटा दिया है। अब देखिए ये खाद देने का टाइम आ गया है, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी कोई खाद वगैरह नहीं दे पाए थे, तो इसकी जो अब नए नए ग्रोथ के लिए इसे भी खाने की ज़रूरत पड़ेगी। मॉनसून है, मॉनसून में तो वैसे ही मतलब नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इस वजह से ग्रोथ अच्छी होती है। पर यह है जितना ज़्यादा बारिश होगी उससे जो हमारे प्लांट्स में सॉइल में जो है जितने पोषक तत्व सारे बह के चले जाते हैं, तो उससे जो है हमारी जो मिट्टी है वो झारी हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है, इसके जो पीएच लेवल है वो भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए अब ये जो है इसे खाद पानी दे देंगे। तो अभी तो भारी वर्षा शुरू नहीं हुई है, बस एक दो बार की बारिश हुई है, मौसम बना हुआ है, बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मतलब खाद देना बेकार हो जाएगा। तो मैंने अभी से देना शुरू कर दिया है। तो मैंने सारा ये जो है इसके मतलब जो सूखे हुए थे कटिंग वगैरह कर दी है और फंगीसाइड वगैरह लगा दिए हमने मिट्टी में भी। इसके जो मतलब ये जो पॉइंट है आपके ग्राफ्टेड पॉइंट, तो इसमें मैंने फंगीसाइड लगा दिया है अच्छी तरीके से, जिससे कोई फंगस वगैरह ना आए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा फंगस आ जाते हैं। तो इस मौसम में जो है आपके बारिश तो लगातार होती रहेगी, तो उसको गुलाब को मतलब ज़्यादा पानी पसंद नहीं है उसको, तो वैसे भी उसे जो है मतलब एक दो घंटे की बारिश मिल जाए तो बहुत है। उसके बाद जो है इसे ऐसी जगह पर रखना जिससे कि इसे मतलब ज़्यादा बारिश का पानी ना गिर सके, और गिरे भी तो ये ड्रेनेज होल ये चेक कर ले कहीं पानी ना रुक जाए, तो इसलिए मतलब ज़्यादा पानी भी ना पड़े इसमें, इसलिए ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पे इसको कमी, जैसे लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उन्हीं के बीच में रख देती हूँ, तो उसको मतलब ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता है। तो ये सब मैंने कर लिया है। तो अब ये जो है धूप तो वैसे भी आपकी निकलती नहीं है, बादल बने रहते हैं, तो जब भी धूप निकले, धूप मिल जाए एक दिन की, तो ठीक है। उसके बाद मैं इसमें खाद देने वाली हूँ, तो कौन कौन से खाद दूँगी वो ही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए मैंने ये ले लिया है, इसके लिए जो है आपका बैलेंस डाइट ले लिया है, तो अभी इसको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैंने ये ले लिया गोबर की खाद, गोबर की खाद जो होती है आपके वेस्ट होते हैं गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गोबर की खाद जो है आपके एक साल दो साल पुरानी सड़ा हुआ गोबर की खाद लेनी चाहिए, तो मैंने भी जो है ये मेरा दो साल पुराना गोबर की खाद है, मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो देखिए मैंने ले लिया है एक चम्मच के करीब, क्योंकि मेरा ये पॉट छोटा है। उसके बाद मैंने ले लिया नीम की खली मतलब एक चम्मच के करीब, उसके बाद मैंने ले लिया ये राख। राख जो है आपका ये भी फंगीसाइड है, बरसात का मौसम में तो फंगस वगैरह लग सकता है और सॉइल में भी लग जाते हैं, तो इसमें जो है कैल्शियम आयरन की मात्रा भी पाई जाती है और नेचुरल फंगीसाइड का काम भी करता है। उसके बाद मैंने ले लिया है ये केले के छिलके को सुखाकर पाउडर बना लिया है। पोटाश की बहुत ज़रूरत है, अगर आप पोटाश नहीं डालोगे तो आपके जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में फल फूल नहीं आएंगे, और जो आपके जो
प्लांट्स है उसको भी मतलब मजबूती देने के लिए, उसके रूट्स को मजबूती देने के लिए पोटाश की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये पोटाश ले लिया है। उसके बाद ले लिया मैंने है एक चम्मच के करीब मैंने कॉफ़ी ले लिया, कॉफ़ी पाउडर जो है उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, उसमें भी कैल्शियम भरा पाए जाते हैं और सॉइल को जो है एसिडिक बनाता है। गुलाब को जो है एसिडिक सॉइल बहुत अच्छा लगता है और उसी में अच्छा ग्रोथ करता है, फ्लोटिंग फ्लारिंग अच्छा करता है। तो एक कॉफ़ी पाउडर ले लिया है और एक चम्मच के करीब मैंने ले लिया है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जो है आपके बरसात के सीजन है तो इसमें जो है आपका जो प्लांट्स है प्लांट्स में जो है आपके न्यू ग्रोथ आ रही है, इसमें भी हेल्प करेगा और फ्रूटिंग फ्लॉरिंग के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। फंगीसाइड का भी मतलब सारा कुछ मिक्स हो गया है, तो फंगीसाइड भी हो गया है आपका, ये पोटाश भी हो गया है और नाइट्रोजन भी हो गया, पूरा बैलेंस डाइट हो गया है गुलाब के लिए। तो ये सब मिक्स करके फिर मैं डालूँगी प्लांट्स के, क्योंकि इस टाइम जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देना ठीक नहीं है, बरसात का वैसे मौसम है, तो इस टाइम जो है हम सॉलिड खाना देंगे इसको, सॉलिड फर्टिलाइज़र देंगे, कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे। तो बरसात हैवी बरसात शुरू होने से पहले आप अगर दे देते हो अपने प्लांट्स को तो आपके प्लांट जो है वो भी आपके ज़्यादा बारिश से भी ये भी शॉक में रहते, जिस तरह ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं प्लांट्स, ख़राब हो जाते हैं, उसी तरह ज़्यादा बरसात में भी ये ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने मिट्टी हटा के, और जब भी आप खाद देंगे सॉलिड खाद देंगे उसके बाद ये जो है मिट्टी के अंदर ही देना, उसके ऊपर मिट्टी डालकर दबा देना है, जिससे कि बरसात के पानी बहकर आपके जो जिसने जितने भी आपने खाद डाला है कहीं वो बह ना जाए, और ऊपर डालोगे तो वैसे भी फंगस लगने का चांस है, तो इसलिए मिट्टी के अंदर अंदर रखना चाहिए। और ये जो है गमले के सारे मैंने किनारे किनारे दे दिया है, बिल्कुल देखिए इस तरह से। तो देखिए ये बहुत अच्छा मौसम है, मॉनसून का मौसम है, इस टाइम अगर आप अपने गुलाब की केयर करते हो तो आपकी जो है फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही अच्छे। वैसे तो ये सर्दियों में अक्टूबर में इसकी वो होती है ज़्यादा अच्छी अति फ्लारिंग होती है, लेकिन ये बरसात का मौसम है, बरसात में भी बहुत अच्छा मौसम होता है गुलाब के लिए, बरसात में भी ये जो है अपनी ग्रोथ निकालता है। और उसके बाद जो है आप ये हफ्ते में या 15 दिन में एक बार जो है फंगीसाइड, कोई भी फंगीसाइड हो, नीम ऑयल हो उसका स्प्रे, या बेकिंग पाउडर जो होते हैं बेकिंग सोडा उसका भी मतलब स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे कि फंगस न लगे गुलाब जो है इसे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जो है फंगस लग जाते हैं, और इसे जो है बहुत ही मतलब थोड़ा नाजुक है तो इसे बहुत ही केयर करना पड़ता है इस मौसम में, तो ये फंगस ना लगे इसलिए इसके मतलब कोई भी आप बेकिंग सोडा या फंगीसाइड कोई भी आप ले सकते हो, लेके और स्प्रे कर सकते हो। तो आप अगर बेहतर रिज़ल्ट चाहते हो अपने गुलाब में, बड़े बड़े फूल चाहते हो, भरा हुआ मतलब फूलों से प्लांट चाहते हो, तो फिर आप भी कर लीजिएगा। और देखिए मौसम तो हमारे यहाँ पे बादल बना हुआ है, बारिश हो सकती है लेकिन हुई नहीं है, रिमझिम बारिश हुई थी 5 मिनट की, तो मैंने सोचा कि ये मौसम अच्छा है इसलिए अभी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी, और कलियाँ भी आ गई है, तो मैंने क्या खाद डाल देते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल अनुभास गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।